गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल पीईसी अकेडमी कुरुक्षेत्र। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हियर टू डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन आई हैव टेकन फ्रॉम यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो 2-2 मार्क्स के आपके एस ए वन एग्जाम में और फाइनल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एस ए वन एग्जाम आपके नज़दीक लग गया है और बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं इस स्ट्रेस में है कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे हमें उसके आंसर्स देने हैं और कितने कितने मार्क्स के ये क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं और आप मेरी वीडियोज़ को कंटिन्यूस देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि आगे मैं इस तरह के वीडियोस भी अपलोड करने वाला हूं जिसमें मैं आपके स्ट्रेस फैक्टर को दूर कर दूंगा। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं और नोटिफिकेशन ऑन करते हैं देन इन फ्यूचर यू हैव टू रिसीव द वीडियोस बेस्ड ऑन द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनर के द्वारा आपके पेपर में 101% पूछे जाते हैं। और आज का ये वीडियो उन्हीं ही क्वेश्चंस के ऊपर है और आगे भी इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलते रहें तो इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्रा पे जाएं, सब्सक्रिप्शंस का बटन ऑन करें, नोटिफिकेशन ऑन करें तो आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 101% पेपर में आस्क किए जाते हैं आपको मिलेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और आपको इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्रा। सो फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड द वीडियो एंड सी एंड लर्न हाउ वी हैव टू अटेम्प्ट दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इफ इट विल आस्क, इफ मीन्स नॉट डेफिनेटली इट विल आस्क इन योर फाइनल एग्जाम और इन SA1 एग्जाम। तो क्वेश्चन इज ऑन माई बैक स्क्रीन, आप देख पा रहे हैं। कैन यू प्लेस ए पार्लर प्लेट कैपेसिटर ऑफ 1 farad कैपेसिटी इन योर हाउस। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कैन यू प्लेस ए पार्लर प्लेट कैपेसिटर ऑफ 1 farad कैपेसिटी इन योर हाउस। वो कह रहा है कि एक क्वेश्चन उसने हमें दिया है, एक प्रॉब्लम दी है। एक कैपेसिटर है, सपोज दिस इज द कैपेसिटर, यू नो व्हाट इज कैपेसिटर, इट इज अरेंजमेंट ऑफ 2 parallel प्लेट्स सेपरेटेड बाय सम डायलेक्ट्रिक मीडियम्स। और इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो आपको गिवन है कितनी, 1 farad। वो कह रहा है कि क्या इस कैपेसिटर को मैं मान लेता हूं कि लेट डी बी द डिस्टेंस बिटवीन द 2 parallel प्लेट्स और वो है आपके पास 1 mm। मैंने मान लिया 1 mm मींस 10^-3 मीटर। वो कह रहा है कि क्या इस पैरलर प्लेट कैपेसिटर को जिसकी कैपेसिटी 1 farad है क्या आप अपने हाउस में लगा सकते हैं, तो चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको एक आर्टिकल कराया था कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरलर प्लेट कैपेसिटर जिसका वीडियो भी मैंने आपको शेयर किया था। नाउ व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरलर प्लेट कैपेसिटर, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A/D वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, A इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शंस ऑफ द प्लेट एंड D इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द 2 plates। दिस इज D, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द 2 plates। मैंने मान लिया कि जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है बिटवीन द 2 plates दैट इज 1 mm, 10^-1 mm मीन्स 10^-3 मीटर। तो चले स्टार्ट करते हैं, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एरिया, एरिया इज C×D बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ व्हाट इज द कैपेसिटी, दैट इज 1 farad। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, दैट इज 10^-3। नाउ व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, 8.85×10^-12। Now what is the unit of area is meter square. Now what is the area of the plate, that will approximate equal to 10^-8 meter square. अब ध्यान से देखें, क्या इतना एरिया जिस कैपेसिटर की कैपेसिटी 1 farad है और उसका अगर हम एरिया चेक करें तो दैट इज 10^-8 मीटर स्क्वेयर विच इज वेरी वेरी लार्ज। सो इज इट पॉसिबल टू प्लेस ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, नो, द आंसर इज नो। It is not possible to place a parallel plate capacitor of 1 farad capacity in your house. This is because the area is very very large. तो इतने large area को क्या हम अपने घर में रख सकते हैं, नहीं। तो it means the answer is no because the area is very very large. So
it is not possible to place a parallel plate capacitor of 1 farad capacity in your house. बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था. अगर पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएं तो यू हैव टू जस्ट अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन दिस मैनर. एक भी मार्क्स आपका डिडक्ट नहीं होगा, दैट अश्योरिटी आई विल गिव टू यू बाय माई यूट्यूब चैनल पीसी अकेडमी कुरुक्षेत्र. और मैं अंत में अगेन आपको यही बात कहूंगा कि अगर आपके मन में SA1 एग्जाम को लेकर कोई भी स्ट्रेस फैक्टर है तो आज ही आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, सब्सक्रिप्शन का बटन ऑन करें. आगे जो मेरे वीडियोस आने वाले हैं वो आपके इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आने वाले हैं. चाहे आप किसी ही स्कूल में पढ़ रहे हो, अगर आप मेरे इन वीडियोस को वॉच करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो आई विल अश्योर टू यू माय यूट्यूब चैनल पीसी अकेडमी कुछ तरह अश्योर टू यू नॉट ए सिंगल मार्क्स इज टू बी डिडक्टेड इन योर फाइनल एग्जाम और इन द SA1 एग्जाम. दैट अश्योरिटी ओनली मिस्टर मनोज पहुजा, हु इज द फाउंडर ऑफ दिस चैनल पीसी अकेडमी कुरुक्षेत्र, विल गिव्स टू यू. सो दिस इज द वीडियो, आप इसे जरूर देखें. देखने के बाद आप इसको समझ पाएंगे कि कितना आसान क्वेश्चन था जिसने हमारे दिमाग में एक स्ट्रेस क्रिएट किया हुआ था कि पता नहीं कैसे इसका आंसर हम लिख पाएंगे. सो एट लास्ट अगेन आई एम सेइंग माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक माय वर्क, लाइक माय एफर्ट, देन प्लीज डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. माय चैनल इज पीसी अकेडमी कुरुक्षेत्र. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स, अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माय चैनल इज़ पीसी अकेडमी कुरुक्षेत्र. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा. जय गुरु जी.